குருஜி. குருஜி, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है. क्या? जितना जल्दी हो सके हमें यहां से भाग लेना चाहिए. क्यों? लोग कहते हैं इस मकान में भूत रहते और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है गुरुजी. भूत? नॉनसेंस. हम अपना काम पूरा करके यहां से वापस जाएंगे. जी, पागल के भयानक इरादे को कैसे बदलू? क्या बकते हो गुरुजी? आपको लोगों की बातों पर भरा विश्वास ना हो लेकिन मैं क्या कर. देखो कौन आया. मैं इतनी बारिश और तूफानी रात में भूतों के अलावा कौन हो सकता है गुरुजी? शट अप. जाओ. लगता है मेरी कब्र भी गुरुजी के समाधि के पास में देगी. बोलो. कौन हो तुम? ले आ जाइए. क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं. यहाँ मैं और गुरु जी के सिवा और कोई नहीं रह सकता. जाओ. अमर, अमर आने दो. आप अंदर जा सकते हैं. धन्यवाद. कोई बात नहीं. अमर, इन्हें गीले कपड़े बदलने के लिए कुछ कपड़े दे दो. आओ आओ. आप बुरा ना माने तो मैं आपकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूं. घबराने की कोई बात नहीं. बस थोड़ी देर के लिए आपको यहां बैठना पड़ेगा. अमर, कट ऑफ. आइए, आप यहां आइए, यहां बैठिए. Thank you.
आइए दादाजी, संभाल के उतरेगा। शांति मकान कैसा है? बेटे, पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया है, पर मकान तो अच्छा ही लगता है। अरे दादाजी, अंदर चल के देखिए मकान कितना खूबसूरत है। यहां आप अंधेरे में क्या पता चलेगा। चलिए। हॉल तो देख लिया, ये दूसरा कमरा है। अरे वाह, आइए पिताजी। दादाजी जरा समझ के आगे एक सीढ़ी है। समझ गए पिताजी। लेकिन इतनी आसानी से इस मकान का कब्जा कैसे मिल गया? बस दादाजी के आशीर्वाद से। आज मेरे मन को तसल्ली हुई। इट्स रियली फैंटास्टिक। भैया ने एक और मकसद पूरा कर लिया। सुनो, हमारा कमरा कौन सा है? इतनी बेसब्री क्या है, चलो दिखाता हूँ। पिताजी, मैं रसोई घर जाकर देख लूँ। हाँ बेटी जा। अच्छा। मुझसे शादी करने के बाद आपने मुझे एक दिन भी मानसिक या शारीरिक सुख नहीं दिया। मेरी गोद में सिर्फ दो बेटे डालकर आपने तो अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन मैंने अकेले सुधीर और विक्रम को माँ बाप दोनों का ही प्यार दिया। अनेक कष्ट सहकर दोनों को बड़ा किया। बस एक ही दुख है मुझे, आपने ऐसे सुख के समय में हमारा साथ छोड़ दिया। पति महाशय, आज तो आपने साज श्रृंगार करने में एक नई नवेली दुल्हन को भी मात कर दिया है। अब आईने का पीछा छोड़ो और चलो। ये सामान्य रात है, कोई सुहाग रात नहीं। सुहाग रात ना सही, लेकिन इस घर में तो पहली रात है। जिस खुशी से गृह प्रवेश किया है उसी तरह पहली रात मनाएंगे। एक सुहाग रात पुराने घर में, एक सुहाग रात इस घर में, और फिर हम कौन से बूढ़े हो गए हैं। अच्छा बाबा, मान लिया कि तुम 17 बरस के हो, लेकिन मैं 16 बरस की नहीं हूँ। अरे विक्रम के बारे में सोचो, अब वो शादी के लायक हो गया है। विक्रम की शादी की जिम्मेदारी माँ पर है, बेकार की बातें छोड़ो। चलो चलो। बाल सफेद होने को आए, लेकिन तुम बाल नहीं आओगे। अब आओ भी। शांति आओ ना।